हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन विंग्स की रेसिपी। ये वो रेसिपी है, मैं श्योरली कह सकती हूँ आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ज़रूर बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हो जाते हैं ये। इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना देखना है लास्ट तक। पूरा देखें, मैंने यहाँ पे 300 ग्राम चिकन विंग्स लिए हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट स्टेप करना है हमें, ब्रेनिंग। उसके लिए मैंने विनेगर लिया है 2 टेबलस्पून और नमक लिया है 1/2 टेबलस्पून। चिकन डूबने तक पानी इसमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। बेसिकली ये भी एक तरीके का मैरिनेशन ही होता है, जिससे हमारी ये चिकन सॉफ्ट एंड जूसी हो जाते हैं। इससे दो और फायदे होते हैं, एक तो चिकन जल्दी फ्राई हो जाते हैं और दूसरा चिकन साफ हो जाते हैं। मिनिमम इसको 1/2 आवर रखना है। अगर आपके पास टाइम है तो 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आप रख सकते हो। मैंने इसमें ये विनेगर यूज़ किया है। अब हमारे ये मैरिनेट हो चुके हैं। अब इसको साफ पानी में अच्छी तरह धो के पानी निचोड़ के रखना है। उसके बाद इसमें सबसे पहले हमें 2 टेबलस्पून दही ऐड करना है। मैंने इसमें बिना पानी वाले दही को, गाढ़ा वाला दही को यूज़ करना है। अब उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड करना है। 1/2 टेबलस्पून नमक ऐड करना है। इसमें पहले मैरिनेशन में भी हमें नमक डाला है ना, तो देख के डालना है। बाकी चिकन मसाला 1/2 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टेबलस्पून, मिर्ची पाउडर 1/2 टेबलस्पून से भी कम, काली मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच। बाकी इन सबको हमें हाथ से अच्छी तरह मिलाना है। ये देखिए, हमारा मसाला सारे चिकन में मिल चुके हैं। अब एक दूसरे बाउल में हमें थोड़ा सा मैदा लेना है। उसमें ये मसाले लिया हुआ, ये सारे चिकन विंग्स को हमें इसमें डिप करके अच्छी तरह कोट करना है। फिर दूसरे एक बाउल में थोड़ा पानी लेके रखना है। ये कोट हुआ हुआ चिकन पीस को हमें वो पानी में डालना है। अच्छी तरह मैदा इसमें कोटिंग होना चाहिए। अब ये पानी वाले बाउल में हमें ये चिकन विंग्स को डालना है। उसके बाद निकाल के फिर से मैदे वाला बाउल में अच्छी तरह मैदा कोटिंग करना है। जितना मैदा ये चिकन विंग्स के अंदर कोटिंग हो जाएगा, उतना कुरदुरा बनेगा। हमारा ये चिकन विंग्स रेडी हो चुके हैं। अब हमारा कढ़ाई में तेल गर्म हो चुके हैं, उसमें ये चिकन विंग्स को डाल देते हैं।
हमारा ये चिकन ऑलमोस्ट दोनों साइड पक चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकालेंगे एक प्लेट में। बस हो गया हमारा चिकन विंग्स KFC स्टाइल में। ये एक बार ज़रूर ट्राई करना, बच्चों को बहुत पसंद आ जाएगा। वीडियो पसंद आ गया तो आप सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, साथ में लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।